किसान भाइयों, पारंपरिक खेती की बात करें तो उस समय हल बैल का इस्तेमाल करके खेती किया जाता था, जिससे कि अधिक श्रम लगता था, अधिक समय लगता था और व्यय भी अधिक होता था। और बावजूद इसके हमें अन्न उत्पादन अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त होता था। अगर अभी की बात करें तो हमारे वैज्ञानिकों ने कई नई कृषि यंत्रों का ईजाद किया है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, आपको इसके रखरखाव की उचित जानकारी होनी चाहिए। तो इसी क्रम में आज हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार, जो आपको जीरो टिलेज मशीन के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, ये जीरो टिलेज बीज सह खाद बुआई यंत्र है, और किसान भाई अगर इसका प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने के बाद इसका उचित रखरखाव रखना चाहिए। जैसे उचित रखरखाव के लिए अगर हमारा मशीन अगर चल के आता है तो इसको सबसे पहले हम धुलाई कर दें पानी से। धुलाई करने के बाद जहाँ जहाँ ग्रीस बैडिंग है वहाँ पर ग्रीस गन से ग्रीसिंग किया जाए। जैसे यहाँ पर ग्रीस का पॉइंट है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ग्रीस, तो यहाँ पर एक गन से आप ग्रीसिंग कर सकते हैं। गन रहने के बाद आपको उचित ढंग से इसमें ग्रीस चला जाता है, और जगह जगह जहाँ पर बैरिंग दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बैरिंग, वहाँ दिख रहा है बैरिंग, इस टाइप से यहाँ पर ग्रीस गन से ग्रीसिंग करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ग्रीस गन से कैसे ग्रीसिंग किया जाता है। उसके बाद एक इसको कहते हैं ड्राइव व्हील। इस ड्राइव व्हील जैसे हम इसको ईंट के सहारे हम यहाँ पर ड्राइव व्हील को थोड़ा ऊंचा पर रखे हैं ताकि हम इसको घुमा सकें, जैसे इस टाइप से घुमाना। अब ड्राइव व्हील को अगर इस टाइप से घुमाते हैं तो चेन का टाइटनेस उचित होना चाहिए, और चेन अगर सूखा हुआ हो तो इसको फिर डीजल या कोई तेल से इसको सफाई कर देना चाहिए। सफाई करने के बाद 20-40 मोबिल से आप वाइलकेन, अगर वाइलकेन है आपके पास में तो वाइलकेन से इसमें जो है वाइलिंग करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ये चेन में जो है वाइल हो गया है। वाइल रहने से क्या होता है कि चेन स्मूथ चलता है। और इस ड्राइव व्हील में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये स्प्रिंग क्या करता है कि ड्राइव व्हील को ज़मीन की तरफ खींच के रखता है, क्योंकि जब हम बुआई करते हैं तो इसका गति 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा का रखना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा स्पीड देते हैं तो ये चक्का ज़्यादा ऊपर उठ करके चलने लगेगा, तो हमारा बीज कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ट्रैक्टर का गति हम 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे ताकि हमारा ड्राइव व्हील ठीक ढंग से चल सके। और ये स्प्रिंग ज़मीन के तरफ यानी कि धरती के तरफ वो खींच करके रखेगा, इससे हमारा ड्राइव व्हील इस शाफ्ट को ठीक ढंग से चला पाएगा। अब यहाँ पर हमारा स्प्रोकेट है। स्प्रोकेट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ये खाद का स्प्रोकेट है और एक ये बीज का स्प्रोकेट है। इसको हम आइडलर पिनियन बोलते हैं, जिससे कि हमको चेन को टाइट करने में हमको सहायता मिलता है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि सफाई करके हम इसमें वाइलकेन से वाइलिंग करेंगे। तो वाइलकेन से वाइलिंग करने के लिए आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आप एक वाइलकेन रखें। वाइलकेन में आप 20-40 का मोबिल अगर मिलाते हैं, इसमें बहुत लोग करते क्या है कि जला हुआ मोबिल यानी उपयोग किया हुआ मोबिल रखते हैं। अगर ठीक ढंग से अगर वाइलिंग करना हो तो इसमें नया मोबिल का प्रयोग करना चाहिए, इससे हमारा चेन वाइली रहेगा। उसके बाद ये हमारा बीज बॉक्स है और ये हमारा आगे का खाद का बॉक्स है। अब खाद में आप देख रहे हैं कि इसमें ऑगर लगा हुआ है, और यहाँ पर इसको कहते हैं कि एजिटेटर टाइप का, स्लाइडिंग ओरिफिस एजिटेटर टाइप का ये हमारा मेटरिंग मैकेनिज्म है। और इसमें जब हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद इसको अच्छी तरह से धुलाई धुलाई कर देना चाहिए, क्योंकि केमिकल अगर कहीं रह जाता है तो हमको इसको घूमने में दिक्कत करता है। यहाँ पर भी शाफ्ट में कुछ बुश बैडिंग लगा हुआ है, जिसमें कि वाइलकेन से वाइल करना चाहिए। वाइलकेन से यहाँ पर वाइल करने के लिए आप यहाँ से आप इस टाइप से आप यहाँ पर बूस पर तेल दे सकते हैं, इससे आपका पिनियन जो है ठीक ढंग से मूव कर सकेगा।
यानी स्लाइडिंग ओरिफिस टाइप का जो ये मेटिंग मैकेनिज्म है वो ठीक ढंग से चल पाएगा। अब यहाँ पर आता है, जैसे हमारा यहाँ पर भी है बुश, यहाँ पर बुश बैरिंग में हम यहाँ से हम देंगे इस टाइप का, इसमें भी हम ग्रीस गन से ग्रीस देंगे और ग्रीस देने के बाद हमारा ये शाफ्ट ठीक ढंग से चलेगा। अब पीछे हमारा सीड बॉक्स होता है, सीड बॉक्स में जैसे ये आप देख रहे हैं कि 11 फ्लूटेड रोलर लगा हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं फ्लूटेड टाइप का फ्लूटेड रोलर मेटरिंग मैकेनिज्म। 11 है तो अगर इसका मतलब है कि 11 लाइन में ये सीड की बुआई करेगा। अब इसमें क्या होता है कि ये अल्मीनियम का होने के चलते अब हम अगर हमारा यहाँ पर किसी भी टाइप का अगर केमिकल रह गया या कुछ भी तो ये जाम होने का संभावना होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, किसी डीजल से या केरोसिन तेल से या पेट्रोल से हम यहाँ पर पहले सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद सभी में हम वाइल्किन से इस टाइप से हम वाइल देंगे। वाइल देने के बाद क्या होता है कि जाम होने की संभावना ना के बराबर में रहती है। अब आप देखा जाता है कि कंपनी भी यहाँ बताते हैं कि वाइल्किन से वाइल यहाँ पर दिया जाता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसको कहते हैं ओपनिंग पोजीशन। इससे हम क्या होता है कि यहाँ पर हमारा क्या है कि 0 से लेकर के 1, 1.2 माने 1.5, 2, 2 के बाद 2.5, फिर के बाद 3, 3 के बाद 3.5 इस टाइप का नंबर है। और इसमें क्या है कि पॉइंट बना हुआ है, जिस नंबर पर हमको लगाना है उस नंबर पर हम जा करके इस बोल्ट को टाइट कर देंगे ताकि हमारा इधर से उधर ना हो। अब हमारा क्या है कि ये मैटिंग मैकेनिज्म में सीड ट्यूब लगा हुआ है और सीड ट्यूब जो है यहाँ से फर्रो ओपनर यानी कि टाइन भी कहते हैं, टाइन में लगा हुआ है। अब टाइन में क्या हुआ है कि सीड का जो ये का जो ट्यूब है वो लगा हुआ है, इसको हम बूट कहते हैं, इसको हम बूट कहते हैं। और बूट में ये पाइप लगा हुआ रहता है और ये हमारा फर्रो ओपनर कहलाता है। इसमें हमारा बीज यानी कि पीछे बीज का पाइप है, आगे जो है फर्टिलाइज़र का पाइप है। जब हमारा बिना जुताई किए हुए खेत में ये जीरो टिलेज चलेगा तो ये जो आपको फर्रो ओपनर है जो इसको हम टाइन बोलते हैं, ये उल्टा टी टाइप का होता है। इसको कहा जाता है उल्टा टी टाइप का टाइन। ये बिना जुताई किए हुए खेत में लगभग 30 से 35% तक नमी हो, यानी खेत में जब चलते हैं तो खेत दबता हो, उस समय आप 10 से 15 दिन बचा करके आप इसमें बुआई कर सकते हैं। इस पर ट्रैक्टर पर जो खिंचाव लगता है वो बहुत ही कम हो जाता है। अगर किसान भाई को जीरो टिलेज मशीन से बीज की गहराई को अगर बढ़ाना और घटाना हो, जैसे हम गेहूं में 3 से 4 सेंटीमीटर हम गेहूं की का जो है डेप्थ है उसको हम मेजर करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 3 से 4 सेंटीमीटर इतना होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सीड ड्रिल को जमीन पर रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर एक स्केल डालेंगे। अगर ज़मीन से 3.5 सेंटीमीटर अगर ऊंचा हो तो खेत में 3.5 सेंटीमीटर अगर यहाँ बता रहा है कि हमारा ज़मीन से ऊंचा है तो 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक बीज का गहराई देगा, क्योंकि हमारा खेत गीला होने के चलते कहीं दब सकता है, इसीलिए या खेत ऊबर खाबर हो तो 3.5 से 4 हमारा मेंटेन करेगा। अगर 3 से 3.5 रखना है तो हमारा ये जो डेप्थ कंट्रोल व्हील है उसको हम 3 सेंटीमीटर पर रखेंगे। यहाँ पर भी ग्रीस करने के लिए हमारा दिया हुआ है पॉइंट, जहाँ कि हम इस ग्रीस गन के सहारे हम यहाँ पर ग्रीस गन से हम यहाँ पर ग्रीस इस ढंग से दे सकते हैं। तो इसमें हम ग्रीस यहाँ पर गन से अगर देंगे तो हमको बहुत सहूलियत होगा। इसमें 2 ट्रांसपोर्टेशन व्हील, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन व्हील्स भी कहते हैं और डेप्थ कंट्रोल व्हील भी कहते हैं, जिसमें कि हम बीज का डेप्थ कंट्रोल कहते हैं। अब खाद का नीचे से इसका स्लाइडिंग होता है मेटिंग मैकेनिज्म में, तो खाद के स्लाइडिंग के लिए ये बहुत जल्दी जाम होने का संभावना होता है, क्योंकि इसमें केमिकल यूज होता है। केमिकल यूज होने से ये जाम हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले या तो किरोसिन या पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करके हम पहले जंग को या फिर जो खाद का जो
जमा हुआ चीज़ है उसको हम छुड़ाएंगे, उसके बाद हम इसमें वाइलकेन से वाइल दे करके हम इसको फ्री रखेंगे। फ्री रखने के बाद हमारा देखिए कि ये ओपनिंग पोजीशन यहाँ पर अपने आप इस हैंडल से बढ़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो अगर हमको खाद को अगर 5 पर ले जाना है तो हम 5 पर इस ढंग से हम इसको सेटिंग दे देंगे। अगर हमको 1 हेक्टर 150 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर हमको खाद डालना है तो हमको इसी से हमको सेटअप देंगे। हाँ, जैसे हम इस ढंग से बढ़ाते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर देना है, जैसे अभी 8 पर देखिए चला गया है, तो इस ढंग से हम इसमें हम 150, अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ फर्टिलाइज़र जो है दानेदार फर्टिलाइज़र यूज करना चाहिए, जैसे NPK, DAP, इसमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए। अगर आप मिलाते हैं तो चौक होने का संभावना ज़्यादा बना हुआ रहता है। तो अगर आपको कोई भी खाद अगर उस टाइप का दूसरा जैसे पोटास होता है इस सब देना है तो बुआई करने के बाद दिया जा सकता है, क्योंकि बुआई करने के बाद अगर आप देते हैं तो छिद्र खुला रहने के चलते उसमें फर्टिलाइज़र ठीक ढंग से चला जाएगा। तो आप इसको जो है बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें NPK और DAP का प्रयोग करें और मशीन को प्रयोग करने के बाद उचित ढंग से उसका धुलाई करें। धुलाई करने के बाद वाइल और ग्रीसिंग करके इसको छत के नीचे कहीं पर रख दें और इस ढंग से ईंट के सहारे अगर इस ड्राइव व्हील को अगर उठा देते हैं तो कभी भी हम 1-2 महीना के बीच अगर इस मशीन के पास आते हैं तो पैर से भी इस ढंग से घुमा देते हैं तो मेरा पूरा सिस्टम चल रहा है, यानी हमको पता चल रहा है कि मेरा सिस्टम काम कर रहा है। तब अगले साल जब बुआई करने के लिए इस मशीन को निकालेंगे तो ये मशीन ठीक ढंग से काम करेगा। अब अगर ईंट के सहारे इसको नहीं रख करके ज़मीन में रखते तो आपको लगता कि हम इसको उठाएंगे फिर घुमाएंगे, इससे बढ़िया है कि इसको ईंट के सहारे रख दीजिए और इस ढंग से घुमाइए, तो ये मेरा सिस्टम पूरा चल रहा है। तो ये है जीरो टिलेज सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल, जिसमें बिना जुताई किए हुए हम बीज की बुआई करते हैं। यांत्रिकरण में यही होता है कि खेती में लगने वाले लागत को यंत्र के माध्यम से कम करना और समय पर कृषि का कार्य करके ज़्यादा उत्पादन लेना। तो जुताई में भी हम इसमें पैसा बचता है और उत्पादन भी अगर समय पर करते हैं 12 से 15 दिन पहले तो हमको ज़्यादा उत्पादन मिलता है, इससे हमको उत्पादन बढ़ता है, तब किसानों को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों, इन बताए हुए निर्देशों का अगर आप पालन करते हैं तो आप खेती में लाभ उठा सकते हैं और साथ ही इन कृषि यंत्रों का उपयोग आप अधिक सालों तक कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो अगले भाग में हम एक अलग कृषि यंत्र के साथ आएंगे एक जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।